हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अभिरुचि आज फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर अपने चैनल फ्रूटफुल लाइफ ऑफ अभिरुचि पर। आज मैं आपको एक नए तरह का वॉल हैंगिंग बनाना दिखाऊंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली गर्ल्स होती हैं, उनका सबसे फेवरेट गेम होता है किचन खेलना। और किचन में उनके पास किचन के कई सारे छोटे छोटे सेट्स होते हैं, किचन सेट्स। उसमें एक बड़ा फेवरेट सा होता है उनका टी सेट, जिसमें उनको सुबह सुबह अपने पापा मम्मी को चाय सर्व करने में बड़ा मजा आता है ना। लेकिन जब बेटियां बड़ी हो जाती है तो फिर वो टॉयज उनके इधर उधर घूमने लगते हैं घर में, और फिर अब हमें समझ नहीं आता कि इन टॉयज का हम क्या करें। सो मुझे एक उसका यूज लगा, ऑल्दो मेरे घर में बेटियां नहीं हैं और वो टॉयज नहीं, लेकिन मुझे शॉप पे एक ये टी सेट दिखा था, बड़ा क्यूट सा, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैं ले आई थी। और लेके आने के बाद इसको मैंने एक वॉल हैंगिंग की तरह से बनाया, जो मैं आपको अभी बनाना दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम लोग करीब कोई भी कॉटन की रस्सी ले लेंगे, ये पतली, इतनी पतली, और इसमें हमें करीब 12 थ्रेड्स चाहिए होंगे ताकि ये स्ट्रांग हो जाए। और स्ट्रांग होने के बाद इन 12 थ्रेड्स को, इन 12 रस्सियों को हम आपस में इस तरह से बांधेंगे कि हैंगिंग के लिए एक लूप बन जाए। अब मैं आपको बांध के दिखाऊंगी। इस तरह से हम बांधेंगे कि ऊपर एक लूप बन जाए, सो दैट हम इसको हैंग कर पाए। इस तरह से हम इसको नॉट कर देंगे सो दैट ये कील के ऊपर, नेल्स के ऊपर हैंग हो जाए। इसके बाद हम इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 4-4 रस्सियां लेकर 3 पोर्शन में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे 3 पोर्शंस में, 4-4 रस्सियां लेकर। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये अलग अलग है, सो प्लेट्स इसके साथ स्टिक होके हम नहीं लगा सकते। इसका बेस्ट वे है कि आप इसको फेविक्विक से चिपका दीजिए, और फेविक्विक से चिपकाने के बाद हाफ एन आवर के लिए इसको छोड़ दीजिए, तो ये कप और प्लेट, कप और सॉसर आपस में स्टिक हो जाएगा, और फिर आप इस कप को हैंग कर सकते हैं वॉल हैंगिंग में। ये गिरेगा नहीं, इसको कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, मैंने एक और वॉल हैंगिंग बनाया है, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं कप सॉसर यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कप्स यूज कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, मैंने ये जो हैंडल है कप का, ये इस रस्सी में डाल दिया है ना, तो ये कप इसमें अटक गया है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसकी चोटी बनानी है, जैसे हम अपनी बेटियों की और अपनी खुद की चोटी बनाते हैं, उस तरह से हमने इसको चोटी की तरह बनाना है। और इस तरह से चोटी बनाते हुए हमें बीच बीच में कप्स को इसमें डालते जाना है, सो दैट हमारा वॉल हैंगिंग बने। और हम रैंडमली कप्स बीच में, कभी ये कैटल डाल सकते हैं, कभी हम ये वाला डाल सकते हैं, ये वाला कैटल डाल सकते हैं, इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट डाल के उसको हैंग कर सकते हैं रस्सी के साथ। सो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, मैंने एक एक चोटी के बीच में कप्स, कैटल और ये मिल्क जो जग आता है, ये इसमें गूंथना शुरू किया, और एंड में ये कुछ इस तरह से बनता है। ये मैंने अभी जल्दी में बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए, इसमें इतनी नीटनेस नहीं आई है, और दूसरा सॉसेस का भी यूज नहीं हुआ, लेकिन मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ था आप लोगों से शेयर करने के लिए, जिसमें मैंने सॉसेस को भी यूज किया है, मैंने फेविक्विक की फेविक्विक को यूज करके ये कप और सॉसर को आपस में चिपका दिया है। सेम यहाँ पे मैंने जो इसका ढक्कन था, जो कैटल का ढक्कन होता है, उसको भी फेविक्विक का यूज करके इसको चिपका दिया है। तो इस तरह से ये वॉल हैंगिंग बन जाएगा, और इसको हम हमारे किचन में और या किचन के डोर पे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पे ऐसा कुछ ट्राई करें, जो भी आपको लगे कि इधर उधर घूम रहा है, बच्चों के टॉयज काम में नहीं आ रहे, तो उनको इस तरह से कुछ आप
बना सकते हैं क्रिएटिव और अपने घर में यूज कर सकते हैं कहीं पे हैंग करने के लिए या किसी और काम के लिए। और डेफिनेटली इन फ्यूचर भी मैं आपको अपने और आइडिया शेयर करती रहूंगी आपके साथ। और आप भी कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपको ये कैसा लगा और आप भी बनाकर मुझे बताइएगा कि आपने ट्राई किया या नहीं किया। सो फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल फ्रूटफुल लाइफ ऑफ अभिरुचि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन क्रिएटिव आइडियाज को देख सकें और अपने घरों में कुछ नया बना के हैंग कर सकें। और यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रूटफुल लाइफ ऑफ अभिरुचि। थैंक यू।